रहा है अपने मुंह के जबड़े से, वो हिलने नहीं देता है। वही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। 30 सांसें चल रही हैं यहाँ पर अधे कुरोई की, लेकिन वो भी पूरी तरह से दम को बांधे हुए हैं और विनेश की पूरी कोशिश है कि उनके शोल्डर्स को टिका दे। अगर एक झटका लग गया, एक पल के लिए अधे कुरोई अगर हार मान गई तो तुरंत दोनों कंधे मैट पर लग जाएंगे। 6-0 से आगे है, चित्त करके इस मुकाबले को जीत जाएंगी। और संजय देखिए, विनेश को जल्दबाजी नहीं कर रही है। विनेश को पता है कि इस डेंजर पोजिशन में, इस फीट की पोजिशन में जहाँ पर फीट की तरफ डेंजर है, इस पोजिशन में चाहे पूरा समय भी समाप्त हो जाए, रेफरी मैच चेयरमैन नियमों के अनुसार से छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल, विनेश फोगाट इंतजार कर रही है, उनकी तुरंत ढीले पड़ने का कोई खास प्रयास नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या अधे कुरोई आखिरी लम्हों तक अपनी इस पकड़ को मजबूत बना रख सकेंगी। लगातार अपना दबाव बढ़ा रही है विनेश, लेकिन इस दांव में कम से कम 1.25 मिनट निकाल दिए इन दोनों ने। बिल्कुल, वो भी चित नहीं करना चाहती है और वो भी चित होना नहीं चाहती है। ऐसा सीन लग रहा है जैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, और निश्चित रूप से आपने बहुत सारी फोटो हो गई होगी क्लिक। बिल्कुल, इससे बढ़िया नजारा कहां मिलता है। और आपने शेर और हिरण की जो बात कही, तकरीबन वो नजारा देखने में, लगातार उनके चेहरे पर एक बेबसी, निराशा, हताशा, सब कुछ दिख रहा है। और विनेश उनके चेहरे को देख रही है, उनकी आंखों को देख रही है कि तुम कब हार मानोगी। 15 सेकंड का वक्त और ये जाते जाते एक प्रयास विनेश फोगाट के, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चित्त करने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 5 सेकंड से कम का वक्त बाकी है। विनेश फोगाट ने इस मुकाबले को तो जीत लिया है, और जीतते जीतते कमाल कर दिया आखिरी लम्हों में। बिल्कुल, यहां पर ये मुकाबला बहुत ही आसानी से निस्तो नाबूद कर दिया है नाइजीरियन रेसलर्स को। जिस तरह से विक्ट्री में आपने देखा होगा विनेश ने किस तरह मैट पे हाथ मारा और हाथ को ऊपर उठाया, ये खुशी के लम्हे, उन्हें पता है कि मेरा गोल्ड मेडल रखा गया है और ये पक्का हो गया है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।